नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है बीजेपी की भूतपूर्व नेता, मध्य प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब पता नहीं क्या, और उनका नाम है उमा भारती। आपने मुझे भूत बना दिया। भूत नहीं, आप कपड़े सफरन पहन रखे हैं आपने, भगवान तो कभी भूत हो नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता, भूत तो काला होता है अंधेरे में। अंधेरा तो भूत बन, भूत पूरे। आप ये बात राहुल गांधी को समझा दीजिए क्या, कि भगवान कभी भूत नहीं हो सकता, उनको डरना नहीं चाहिए, भगवान से बहुत डर रहे हैं ना, और डर पैदा भी कर रहे हैं। नहीं, आप भूतपूर्व रहेंगे या भावी भी हैं कुछ आप? भावी तो भगवान के हाथ में होती है, इसलिए भावी का मैं क्या बताऊं, लेकिन जो भूतपूर्व है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अच्छा, क्या उसमें अभूतपूर्व क्या कार्य करें? अभूतपूर्व यह है कि सब कुछ बहुत छोटी उम्र में और बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त हुआ। कोई चालाकी नहीं करनी पड़ी, झूठ नहीं बोलना पड़ा, धोखेबाजी और पाखंड नहीं करना पड़ा। तो जो भूतपूर्व है वो भी अभूतपूर्व ही है। उमा, एक बात बताइए, आप तो राजनीति को छोड़ सकती हैं, पर राजनीति आप में से निकल सकती है क्या? उमा भारती बिना राजनीति के कोई कल्पना कर सकता है क्या? राजनीति मैं कभी छोड़ूंगी ही नहीं, और ना मैंने कहा है कि मैंने राजनीति छोड़ी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं कुछ समय के लिए काम कर रही हूँ, मैं निष्क्रिय बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, राजनीतिक तौर पर अभी निष्क्रिय लग रही हूँ, राजनीति तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो राजनीति बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप राजनीति खेल जानती हैं क्या? राजनीति के खेल में तो आप फेल हो गई अभी तक। नहीं, मुझे खेलने का मौका ही नहीं मिला और खेलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए तो मैंने खेल में हार गई आप। नहीं, जब खेल का मौका है तो शायद हार गई। हाँ, हार गई, लेकिन मैं बड़े खिलाड़ी हैं आपकी पार्टी। नहीं, लेकिन मैं एक मामले में अभूतपूर्व हूँ। मैं बिना किसी खेल के 6 बार सांसद बन ली, केंद्र में मंत्री बन ली और चीफ मिनिस्टर बन ली, और मैंने कोई भी षड्यंत्र नहीं किया, कोई साजिश नहीं की, कोई जिसको घिनौना खेल कहते हैं वो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपने एक बात कही, 6 बार सांसद बन ली, MLA भी बन ली, पर आपकी पार्टी तो ऐसी है जिसमें जो जितनी बार जीता है वो नेता बनता नहीं है, जो जीतने वाले का नेता है आपकी पार्टी में, इसलिए आपको निकाल दिया गया वहां से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मेरा जो आकर्षण हुआ था वो जिस विचारधारा के कारण हुआ था, उससे तो मेरा मुंह नहीं छूटेगा। नहीं, पर मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप राजनीति के खेल में मैदान में उतरी और धुरंधर खिलाड़ियों ने आपको पटक दिया कि मैदान से बाहर कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है? मुझे मुझे मैंने तय किया है कि चाहे मुझे कितनी बार भी पटके, मैं राजनीति को कभी खेल नहीं समझूंगा। आप सच्ची बात करूं करनी है ना आप? हाँ, आप सच्ची बात करिए। सच्ची बात यह कि आप बीजेपी में आना चाहती थी, अडवाणी ने लिख दिया कि आप आना चाह रही हैं और हार जाएंगी, पर आप आई नहीं। आपने भी कहा मैं आ रही हूं, मैं आपके भाषण पढ़ना जैसे डेट वाइज पढ़ना शुरू करूँ तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो ये बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से आपने मन बदल? सच्ची बात बताई देती, सच्ची बात। आपके यहाँ नितिन गडकरी जी भी आ चुके हैं। आ चुके, उन्होंने कहा जी, आपने कहा मैं नहीं आना चाहती राजनीति में, मेरे को उसके वो सच्ची बात तो बोली नहीं उन्होंने। सच्ची बात उन्होंने भी बोली और अडवाणी जी ने भी बोली। सच्ची बात तीसरी दोनों की मिला करके बताई देती हूँ। पिछले साल जब नितिन जी अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया, मेरी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप पार्टी में आइए, मैं आपको पदाधिकारी भी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप पहले पार्टी में परामर्श कर लीजिए और मैं भी थोड़ा सा विचार किए लेती हूँ। परामर्श और विचार के बाद में अभी हम 6-7 महीने पहले मिले और जो निष्कर्ष हमने दोनों ने मिलकर तय किया वो ये तय किया कि मैं अभी अपने आप को कुछ समय के लिए राजनीति से अलग रखती हूँ। आपने तय किया, पर क्यों कहा कि आप परामर्श कर लीजिए? तो आपको लगता है परामर्श में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी स्वीकृति? मुझे लगता है कि मेरे को अपना ही पक्ष बोलना, सच्ची बात बोलना ना। हाँ, सच्ची। इसलिए जब नितिन गडकरी जी ने मुझे आमंत्रित किया और पदाधिकारी बनने के लिए आमंत्रित किया, वो उस आमंत्रण को 1 वर्ष हो गया, तो अब उस पक्ष पर कि उन्होंने क्या परामर्श किया वो नितिन गडकरी बोलेंगे। मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची वो मैंने बोल दिया। आप किस निष्कर्ष पर क्यों पहुंची? पहले आप पहुंची हाँ मैं आना चाहती हूँ, आप परामर्श कर लीजिए, फिर आपने तो कहा नहीं होगी मैं नहीं आना चाहती। आपको कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिसकी वजह से आपने कहा कि मैं नहीं आना चाहती। मुझे जो लगा इस बीच में 1 वर्ष में मेरे घर में एक ट्रेजरी भी हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान भी थी। मेरी भाभी का निधन हो गया था, छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेवारी, बच्चे मेरे अलावा किसी से घुलते मिलते नहीं थे। मुझे लगा जैसे जीवन में एक नया रोल आया हो, तो एक वो भी कारण बना अपने आप को अलग रखने का। और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति मेरे मन में बहुत सहयोगी भाव रहा, मैं कभी उनके लिए नकारात्मक नहीं हुई, आगे भी मेरा उनके प्रति सहयोगी रुख रहेगा और खास करके उत्तर प्रदेश में। मैंने ये आपसे पूछा, जब आप दोनों मिले तो कुछ उन्होंने बताया होगा, कुछ उन्होंने अपने दुख बताए होंगे, कुछ आपने अपने दुख बताए होंगे, उन दुखों से आप ऐसा करो, नितिन गडकरी जी की साइड तो उनसे ही पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मैं आना चाहती हूँ, उन्होंने उनको आपने कहा परामर्श कर लो, ये बात है ट्रेजेडी, घर में बड़ा सोच है ये बात का, पर ट्रेजेडी तो होगी, पर आपको नहीं आने का फैसला किया आपने, इसके पीछे कारण क्या, वो बता नहीं आप मेरे को? कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर मैं उठाऊंगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या बन सकती हूँ। जैसे महिलाओं के आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं का आरक्षण, इस पर कांग्रेस और भाजपा और वामपंथी पार्टियां एकमत हैं कि इसमें पिछड़ी दलित और आदिवासी वर्गों की महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए।
और एक सामान्य रिजर्वेशन ये होना चाहिए, जिसपे मैं पूरी तरह से अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए हूँ कि इसमें पिछड़ी दलित तो आदिवासी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण होना ही चाहिए। देखो ये तो राजनीतिक भाषण कर रही हैं आप। नहीं नहीं, मैं आप सच्ची बात को सच्ची बात के नजरिए देखो। मेरी विचारधारा जो है अब भाजपा से मिलती नहीं है, या तो ये कहिए या ये कहिए कि जो मैं चाहती थी उन्होंने दिया नहीं मेरे को इसलिए मैंने मना कर दिया, या ये कहिए कि यूपी के लोग मेरे को पसंद नहीं करते बीजेपी वाले इसलिए नहीं लिया, या मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे इसलिए नहीं लिया। ये तो नहीं कि मैंने फैसला कर लिया, ये ना कोई विश्वास करेगा मेरे ऊपर ना आपके ऊपर करेगा। ना मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने इस्तीफे की धमकी दी या उत्तर प्रदेश के लोगों ने मेरा विरोध किया। मुझे नितिन गडकरी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी, आपको दी हो तो वही कमेंट कर पाएंगे। आपने कोई बताया तो नहीं किस कारण से आपने नहीं ज्वाइन किया वापस? मैंने आपको कारण बता दिया ना, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम राजनीतिक मंच के बगैर उठाएंगे तब वो ज्यादा फलदायी होंगी। अब जैसे किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, विदर्भ में हो रही हैं, तेलंगाना में हो रही हैं, अभी मध्य प्रदेश में भी उनकी बाढ़ शुरू हो गई है। अब कहीं पर कांग्रेस की सरकार है तो कहीं पर बीजेपी की सरकार है, इस मुद्दे को तो अराजनीतिक होकर के ही उठाना होगा, राजनीति से नहीं उठ पाएंगे। तो आप ये कह रही हैं कि आपने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जो मुद्दे आप उठाना चाहती थी उससे बीजेपी सहमत नहीं थी? ना, मैं जो मुद्दे उठाना चाहती हूँ वो अगर मैं अराजनैतिक होकर के उठाऊंगी तो ज्यादा प्रभावी होंगी। राजनीतिक होकर के, पर तो आपने वही तो कह रहे हो ना कि जो मुद्दे जैसे महिला आरक्षण का मामला है उसमें बीजेपी आपके साथ है नहीं, शुरू से नहीं है, अब भी नहीं है आपके हिसाब से। आप कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, पिछड़े लोगों के लिए होना चाहिए, वो नहीं है। तो आपका अभी सैद्धांतिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, मैं नहीं कहूंगी सैद्धांतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी और मैं बिल्कुल एक ही अंश हूं उसमें। मुझे को, मेरा आप देखिएगा उनके प्रति हमेशा सहयोगी रुख रहेगा, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली कि या तो मैं किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाती तो ठीक था, आज की राजनीति का धर्म और मर्म मैंने समझ लिया कि बिना पैसे के राजनीति होती नहीं है, कैडर के बिना भी राजनीति होती नहीं, अकेले जनाधार से काम चलता नहीं है, वर्षों पुराना कैडर चाहिए होता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर के जब मुझे मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मारा तभी मैंने फैसला कर लिया कि जिसके साथ विचारधारा मिलती है हम उसके साथ चले जाएंगे। तो मैं भाजपा के साथ पार्टी जो बनाई थी गलती की थी आपने ना, और क्या हमने मैंने जो प्रस्ताव भेजा वो पार्टी के विलय का नहीं भेजा, मैंने एनडीए का सहभागी होने का प्रस्ताव भेजा। आडवाणी जी की इच्छा थी। आपकी पार्टी अभी भी है? हाँ, मैं अपनी पार्टी की अभी भी सदस्य हूँ। पार्टी के सदस्य हैं ना आप? मतलब पार्टी आपने ना, मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो भाभी की डेथ के कारण दिया था, क्योंकि मैं एक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, एक वर्ष ना मान लिया था। संघप्रिय गौतम जी पार्टी के अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी, लेकिन मैं पार्टी की सदस्य हूँ अभी भी। तो वो पार्टी चुनाव लड़ेगी यूपी में क्या? मुझे नहीं मालूम वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनके विवेक पर मैंने छोड़ दिया है। जब से मेरी भाभी की मृत्यु हुई तो मैं किसी गतिविधि में एक साल भाग नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत शोक मग्न थी, तो मैंने उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया। मैं उनके फैसले में कभी आड़े नहीं आऊंगी। तो आप अभी राजनीति फिर किस तरह से करेंगी फिर? अभी मैं एक वर्ष तो जो मुद्दे देश को बिल्कुल खत्म करने पे आमदा है, जैसे अभी काले धन की बात आई है, मैं चाहती हूं कि केंद्र की जो सरकार है वो विदेश में गए हुए हमारे धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करे। बल्कि मैं सोनिया जी से भी ये कहने वाली हूं कि आप अपने आप को स्वदेशी साबित ही कर दीजिए विदेशी धन को भारत में वापस ला करके, पूरा देश हमेशा के लिए ऋणी हो जाएगा नेहरू गांधी परिवार का। तो आप एक विदेशी धन के जो विदेश में गया हुआ धन उसको वापस लाना चाहिए, आंदोलन चला रहे हैं। ये मुहिम बाबा रामदेव भी चला रहे हैं, वो तो राजनीति में नहीं रहे, तो हर मुहिम के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, बाबा रामदेव तो कहते हैं मैं चुनाव भी लड़ूंगा, देखते हैं वो चुनाव लड़ेंगे। खुद कहा सच्ची बात में भी कहा, बाबा रामदेव जी को कहूंगी कि भाजपा उनकी पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे आप। किनकी? बाबा रामदेव की कोई पार्टी बनाई? वो जो उनका चल रहा है स्वाभिमान जो चल रही है उनकी, उसमें कहते हैं जी मैं चुनाव लड़ेंगे, हम कैंडिडेट खड़े करेंगे हर जगह। तो मेरे भाई जैसे हैं वो, इसलिए अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ेंगे। भाई बहन के बीच में झगड़ा मत खड़ा करिए, चुनाव खड़ा अगर कहेंगे आप लड़िए तो लड़ेंगे ना। कौन बाबा रामदेव? कोई बात मेरे मन में नहीं होना, मेरी उनकी ऐसी काल्पनिक, मैं किस बात का क्या जवाब दूं प्रभु? नहीं, आप हर बात का कोई जवाब दे नहीं रही, आप हर तरफ से इधर उधर जा रही हैं, इस बात का जवाब नहीं देते। आप लगता है भटक गई मैं? आपको ऐसा लगता है? लग रहा है। आपका क्या है कि आपको मिले हैं नेता और अच्छे नेता मिले हैं आपको, मैं नेता हूं नहीं, मैं राजनीति में हूं लेकिन राजनीतिक नहीं हूं। तो मैं तो कर रही हूं सच्ची बात, और जो करते हैं झूठी बात उसको आप सही मान लेते हो। मैं तो अंदर बाहर से एक ही समाज। चलो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा आप सच्ची बात करने की। आपने कहा झूठी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद।